महाराष्ट्र में चल रही उठापटक के बीच राजस्थान की राजनीति में भी लगातार हमलों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए संविधान दिवस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र की राजनीति पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट के आदेश दिए हैं, कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, जैसा भी दिया है, वो तो सबको मानना ही है। कल फ्लो टेस्ट करने को कहा गया है, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि अब कल फ्लोर टेस्ट बीजेपी को नहीं करना है। उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि हमारे पास बहुमत नहीं है, लिहाजा हम इस्तीफा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, वो तो सबको मानना ही है। कल फ्लोर टेस्ट करने का कहा है, उसका एंजॉय कीजिए सब लोग। बाकी जो जिस रूप में हत्या की गई है, उम्मीद करता हूँ अब न्याय मिलेगा और आप खुद देखेंगे कल जो है इनको शिकस्त मिलेगी, सारे हथकंडे इनके फेल होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की जो इनके जो कल्पना थी, जो सपना